दोस्तों आपको सैमसंग का न्यू डिजाइनर वन यूआई तो पता होगा और सैमसंग ने वन यूआई को मेनली फोकस किया है वन हैंडेड यूज के लिए। मतलब सैमसंग के बड़े बड़े फोन्स को आप वन हैंड से यूज कर सकते हो जब सैमसंग के बड़े बड़े फोन में वन यूआई ये सॉफ्टवेयर होता है। तो वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर के फीचर्स आप अपने किसी भी स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे मी A1 में बॉटम से यहाँ पे हमारा क्विक नोटिफिकेशन पैनल या क्विक सेटिंग पैनल आ रहा है। वैसे ही मेरे Asus ZenFone Max Pro M2 में भी ये फीचर काफ़ी कमाल का चल रहा है। जैसे ही मैं बॉटम से स्वाइप अप करता हूँ तो मेरा क्विक सेटिंग पैनल यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही स्टॉक एंड्रॉयड डिवाइस पे बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स बनाता हूँ, तो प्लीज़ यार अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक भी करना है। दोस्तों मेरा नाम है मदन और आप देख रहे हैं मदन गायकवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों हर बार आपको क्विक सेटिंग पैनल के लिए आप ऊपर से स्वाइप डाउन करना नहीं पड़ेगा, बस सिंपली यहाँ से आप बॉटम पे स्वाइप अप करते हो तो आपका क्विक सेटिंग पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप सारे कंट्रोल्स कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, जैसे कि फ्लैश लाइट, यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ, तो सभी चीज़ें यहाँ पे आराम से चलती है। तो गाइज वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर ठोकना और ऐसी टिप्स ट्रिक्स वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रखना। तो यहाँ पे सभी चीज़ें काफ़ी आराम से चलती है, तो यहाँ पे मैं आपको इसको कैसे यूज करना है और इसको कैसे एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है, इसकी प्रोसेस मैं आगे आपको बता देता हूँ। यही सेम प्रोसेस आप सभी स्टॉक एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ करके इस फीचर का मजा ले सकते हो। आपको जाना है प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है बॉटम क्विक सेटिंग, उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जो काफ़ी कम MB का है और काफ़ी बड़े बड़े फीचर्स आपको दे देता है। तो यहाँ पे गाइज इसको पहले मैं अनइंस्टॉल करता हूँ और आपके सामने इसे इंस्टॉल करके यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो ये न्यूली एप्लीकेशन है पर काफ़ी ढांसू है और कमाल का है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम इंस्टॉल। तो दोस्तों Asus ZenFone Max Pro M2 पे हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। तो यहाँ पे ये हो रहा है इंस्टॉल। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे स्किप करना है और स्किप करने के बाद जो भी परमिशंस मांगता है तो उसको आपको ग्रैंड करना है। तो यहाँ पे पहला परमिशन तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ वो डिस्प्ले ओवरले का। उसके बाद देख सकते हो नीचे हमें एक गेस्चर टाइप का एक व्हाइट वाला नीचे आइकन देखने को मिलता है जो मेरे जीमेल ऐप के नीचे है, बस सिंपली उसको टैप आपको करना है या उस पर स्वाइप अप करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्विक सेटिंग पैनल जो एंड्रॉयड जो हमें वन यूआई में देखने को मिलता है वैसे ही यहाँ पे यह हमें देखने को मिल जाएगा, जो मुझे पर्सनली यूजेबल लगा और काफ़ी कमाल का लगा, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। तो गाइस वीडियो कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यही सेम प्रोसेस आप सभी स्टॉक एंड्रॉयड में यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।